नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारी वीडियोज को देखने के बाद जो हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट वीडियोज बनाते हैं या बताते हैं उनके बारे में, अक्सर आप में से ही कई स्टूडेंट्स हम लोग कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर मैं इस स्टूडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कैसे करूं, मेरा एक दोस्त है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है पर डॉक्यूमेंट उसने इस यूनिवर्सिटी से गलत तरीके से लिए हैं, मैं उसकी कंप्लेंट कैसे करूं या फिर मैं क्या करूं उसके अगेंस्ट कि वो नौकरी से हट जाए। दोस्तों, हम इस चीज के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है और ना किसी का कभी कोई फेवर कर सकते हैं इसके बारे में, बट ये क्या चीजें हैं और क्यों आप हमें रिप्लाई करते हैं या कमेंट करते हैं उसके बारे में ही बताऊंगा आज अपने इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों, एक बात समझिए कि जब भी आपको कभी भी किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, स्टूडेंट के अगेंस्ट, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रीट के बारे में कि रीट की भर्ती आ रही है तो उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। दोस्तों, हमारा पर्पस होता है सिर्फ आपको अवेयर करना जो स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज से डॉक्यूमेंट लेने की। दोस्तों देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही अपने आप को अवेयर कर ले तो शायद आप उस बड़ी समस्या में नहीं फंसेंगे जिसमें आप फंस सकते हैं, बट हम आपकी ऐसी कभी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं कि हम किसी के अगेंस्ट आपको कोई तरीके बताएं कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। दोस्तों, है क्या चीज, कभी भी आप जब किसी के अगेंस्ट कुछ करते हो या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाता है तो वहां सफर वो इंसान नहीं करता है, उसकी फैमिली सफर करती है। तो दोस्तों, ह्यूमैनिटी नाम की कुछ चीज होती है, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा कर रहा है तो जरूर आप उसको अवगत कराएं उस चीज से कि वो गलत कर रहा है, कम से कम उसके पाप के भागी हम लोग ना बने। आपको कंप्लेंट ही करनी है तो इन यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट की जिनके हम अगेंस्ट हैं। दोस्तों, इन यूनिवर्सिटीज के हम अगेंस्ट क्यों हैं? दोस्तों, सिस्टम पूरा ही बिगड़ा हुआ है। आप देखो, कंपनीज आती हैं, उन्हें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, उन्हें चाहिए वो डिग्री स्टूडेंट के पास है नहीं बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो अप्रोच करते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी उन्हें डिग्री दे देती है और बाद में यही यूनिवर्सिटीज उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से मना कर देती है। पॉइंट ये है, टॉपिक ये है कि यही यूनिवर्सिटी बाद में स्टूडेंट्स को परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है और स्टूडेंट्स को फेवर नहीं करती है। पॉइंट सिर्फ ये है, हम ना किसी स्टूडेंट के कभी अगेंस्ट हैं, ना कभी थे और ना ही हम किसी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हैं, हम अगेंस्ट हैं उनकी एक्टिविटीज के। दोस्तों, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने आपको डॉक्यूमेंट दिए पर वेरीफाई नहीं किया, वो सिर्फ आपको ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। आप गए डिग्री अप्लाई की, डिग्री भी दे दी बट जब आपने गवर्नमेंट वेरिफिकेशन लगाया तो मना कर दिया। इनमें से ही एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, WCU विलियम कैरी यूनिवर्सिटी ने अपनी लिस्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है बट उसके बावजूद आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उस लिस्ट के अंदर हो ही नहीं, तो आपकी डिग्री कहां से आ गई? इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको मार्कशीट दे दी, आपको बेवकूफ बना दिया। अगर गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन जाएगी तो ये लोग अपने हाथ खड़े कर देंगे। साथ में ही आपने माना भारती यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा आपने स्कैम देखा। दोस्तों, इस स्कैम में आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो हम बोलते हैं कि पुलिस के सामने दी गई जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में आप देख सकते हो माना भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर जो FIR दर्ज की गई, वो दर्ज की गई 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत। ये होता है चीटिंग और फॉर्जरी के मामले। दोस्तों, हमारे देश का एविडेंस एक्ट 1872 यही कहता है, जिसमें जितने भी तरह के एविडेंसेस होते हैं उस पर कैसे कार्रवाई की जाती है वो इसी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार किया जाता है। सेक्शन 27 यही बोलता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद अगर कोई भी सबूत मिल जाते हैं तो यहां पर सेक्शन 27 लग जाता है और जो पुलिस के सामने दी गई कोई स्टेटमेंट जो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होती, आपके वकील साहब तोड़ मोड़ के तरीके से पेश करते हैं, बताते हैं डरा धमका कर बयान लिया गया था, वो यहां पर पिक्चर में आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। माना भारती यूनिवर्सिटी के केस में यही चीज हुआ कि जब ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी गई तो साथ में ही लगभग 1500 डिग्री जो फर्जी डिग्री का नाम बोला गया, 1500 डिग्री बरामद हुई, साथ में कुछ स्टैंप भी मिली। ये सब मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूं दोस्तों कि आप जब भी कभी ऐसा कुछ करते हैं या कुछ करने की सोचते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ मरता एजेंट है या मरता स्टूडेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपने हाथ खड़े कर देती है। तो ये मत सोच कि आप किसी अपने दोस्त को या किसी राइवल को या दुश्मन को आप फंसाकर जेल भेज दोगे तो खत्म हो जाएगा मामला, ऐसा नहीं है। आज उसका है तो कल आपका नंबर भी लग सकता है अगर आप गलत कर रहे हैं तो। पर मैं आपको ये जरूर बता दूं, मैं हम फेवर में नहीं है किसी भी स्टूडेंट के जो ऐसी डिग्री लेते हैं और इसी वजह से हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं कि आप लोग इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। दोस्तों देखो, जब तक मार्केट में किसी चीज की सप्लाई है तो डिमांड भी होगी। ड्रग्स क्या नहीं बिकता है? डेली आए दिन आधे ड्रग पेडलर के नाम आते हैं। ड्रग्स जबकि इतनी भयानक चीज है उसके बावजूद ड्रग्स बिकता है, लोग खरीद
खरीदते हैं, उसी तरह से दोस्तों जब तक इलीगल चीजों की सप्लाई है जब तक वो डिमांड भी रहेगी। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का जो तात्पर्य था या बनाने का जो रीजन था वो यही था कि आप प्लीज इस तरह के सवाल हमसे कभी ना पूछें, या फिर आप अगर चाहते हो किसी के अगेंस्ट कुछ करना तो हम तो आपकी उसमें मदद नहीं कर पाएंगे, बट हां अगर यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कॉलेज आपको परेशान करता है या कोई एजेंट आपको परेशान करता है, उसमें हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने आपकी डिग्रियां दी बट कभी भी वेरीफाई नहीं की, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर। आपकी भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है डिग्री देकर आपको वेरीफाई नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, उसमें आप हमारी मदद जरूर ले सकते हैं। या और भी कुछ चैनल हैं जो इसी तरह की वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, शायद वो आपकी वो लोग भी मदद कर सके, आप उनकी मदद जरूर ले। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज को हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो अपने दोस्तों में, परिजनों में, रिश्तेदारों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लोग जो एजुकेशन में चल रहे स्कैम है उनसे अपने आप को अवगत करा सकें और अवेयर रह सकें किसी भी तरह के स्कैम में फंसने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।